सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस वक्त के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स के इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। और वो ये था कि जैसे जैसे मैंने बताया कि ये चौथा विजिट है नरेंद्र मोदी का जनवरी 22 में, यानी कि इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड टू की बातें हो रही हैं, जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है। एक्सटेंडेड यानी कि वो, जारी बात, एक तो चलो ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा जो इंडियन एक्सपेट्रेट्स हैं, रह रहे हैं वहां पे, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान से लोग दुबई जो है वो अपना घर ही समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर हैं, तो वो आई थिंक वो दुबई में रहते हैं, क्योंकि वो, उनको एक तो आसान भी है रहना, ना वो इंडिया में रहेंगे ना वो पाकिस्तान में रहेंगे, एक तीसरा न्यूट्रल जो है वो प्लेयर बना हुआ। बट एनी हाउ, दिस कमिंग बैक टू इट, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि अब देखें कि जिसे आप कह लेंगे, जिस तरह सिंगापुर की जो है वो ईस्ट में जो है वो इसकी वैल्यू है, इसी तरह यूएई की जो समझ लें कि एक वेस्ट में एक वैल्यू है और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी इसकी बड़ी वर्थ है। अब अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने एक तो बताया कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने एक बुनियाद रखी, और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक चीजों को फोर्सी करने में कामयाब हुए। एक तो जारी बात है, इंडिया उस वक्त एक प्रॉपरली मिड साइज पावर तकरीबन ऑलमोस्ट है, जो कि अपने खित्ते में चलो एक ग्रेट पावर के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा ये है कि यूएई में और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी। और तीसरा यह है कि पाकिस्तान की भी अफजारी बात है वो पोजीशन नहीं रही थी, क्योंकि जो ओवरऑल पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज हिस्टोरिकली ऑलवेज ट्राई टू यूज मिडिल ईस्टर्न एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज फॉर कश्मीर इशू, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे, या फिर यह कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी। तो उस वक्त जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा, वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब आप देखें ना कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकाल लिए हैं, गल्फ रीजन के साथ जिस तरह सिविल मिलिट्री इंडिया की क्यादत जो है वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पे इब्राहिम अकॉर्ड करके इसराइल को मेनस्ट्रीम किया, उसका इंडिया को बहुत फायदा हुआ। और फिर जिस तरह आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और अगर आपको याद है कि जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे 2017 का, उसमें जो जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी जो हैं वो भी आए थे, जिस तरह एमबीएस हैं सऊदी अरब में उस तरह ये हैं। सो ये अब जारी बात है, ये जो जैद बिन नहयान है, ही इज आल्सो डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म फोर्सेज। तो ये आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीजें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है।
अब देखें कि एक तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो वहां पे जा रहा है कि हमारे वीजे खोल दें, आपने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी कोविड है, हमने कोविड के लिए बंद किए हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है कोविड है तो आपने इंडियंस के वीजे क्यों खोले हुए हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वहां पे ज्यादा कोरोना है पाकिस्तान से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो ये मामलात हैं वो मामलात हैं। लेकिन असल में इश्यू क्या था कि इसराइल के साथ जब ताल्लुकात इनके बहाल हुए, इन्होंने रिकग्नाइज किया, तो पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा थे वहां पे, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के बारे में एक खास किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ज्यूज हैं, ये काफिर हैं, और फलस्तीन को लेकर के, अरबों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, वो जो इसराइल का एक पॉइंट ऑफ व्यू ना, एक ओप्रेसिव है, मुसलमानों के हकूक खाते हैं, और इंडिया और इसराइल का नेक्सस है, हमने ये आपको पता है ओवरऑल जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस मुल्क का उसमें हमने वो लेके चले हैं। सो इसमें आके जो है वो दी अमराती जो बड़े केयरफुल हो गए। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने दे ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन दी अमरातीज एंड द सऊदीज। फॉर इंस्टेंस ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये 5 अगस्त 2019 के बाद की है, जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं इन्होंने इनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं, वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं, और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ये था कि हमारी डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। आप देखें ना तकरीबन हमारी जो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट समवेयर अराउंड 3-4 बिलियन डॉलर जो है वो यूएई से आता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, 6-7 अरब डॉलर सऊदी अरब से आता है, बाकी फिर जो गल्फ ममालिक है वहां से आता है। तो हमारी हुकूमत को पता था हमारी कितनी लिवरेज है, सो वी केप्ट साइलेंट एंड वी डिडंट स्पीक और अटर्ड समथिंग कि जिसमें हम वी कैन लमेंट दी अमरातीज, बिकॉज हमारे पास तो नहीं है, हम तो 3 अरब डॉलर लेने चले गए थे उनके। आपको याद होगा कि जो क्राउन प्रिंस साहब हैं, जैद बिन नहयान साहब हैं, ये आए थे इधर रहीमियार खान में हमारे, ये आते हैं, इन्होंने अपने बड़े जबरदस्त फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़े महल बनाए हुए हैं, आते हैं शिकार खेलते हैं, ये होबरा बर्ड का, तो आए हुए थे, तो वापसी पे जाते हुए थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद आ गए और इमरान खान साहब उनकी गाड़ी चला के तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यहाँ पे ले आए, जिससे पता चला जी कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और बहुत कुछ। लेकिन इट वॉज ऑल फॉर द मनी, हम क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, हमने अपने स्टेट बैंक में रखाना था, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रही थी। सो ये जो अब फिर ये है कि हमारे लिए तो हम तो यूएई को देख रहे हैं दो तरह से, कश्मीर दे कॉन्सिडर दिस एज ए लाइबिलिटी कि हम कश्मीर के ऊपर वो नई स्टांस लेंगे जो माजी में ले रहे थे, दूसरा जो था यूएई जो था उसकी इसराइल की वजह से वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड और सारा, अब उनको कौन पूछे, तीसरा हमारी उनके ऊपर लिवरेज खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैं, हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है उसने हमारी जो रेमिटेंस हमें आती थी मिडल ईस्ट से उसको भी हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो रोज अपने ट्विटर पे लगा देते हैं आज अल्लाह के हुक्म ना इतने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए, हालांकि ही शुड नॉट पुट इट लाइक दिस वे, दिस इज अ वीकनेस, ये उनकी वीकनेस है जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन कौन पूछे इमरान खान साहब को और कौन कहे कि खान साहब आप ये कर रहे हैं। अच्छा अब आके अगर आप देखें कि यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पर बड़ा बोला था, मैंने कहा जी क्यों बात नहीं की हमने, अगर या हमने बात की है उन्होंने सुनी नहीं है। अब यूएई जो है वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, हमारे तो दुबई हमारी इतनी मदद कर रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ट्रेड इंडिया के साथ है वो वाया यूएई आ रही है, ठीक है, इंडिया ने तो वैसे ट्रेड बंद कर दी हुई है। पाकिस्तान को दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपना रिलीजियो आइडियोलॉजिकल लेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की अशराफिया है वो डिपेंडेंट है उस रिलीजियो आइडियोलॉजिकल लेंस पे फॉर देयर ओन पर्सनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सो दे कैन नॉट मेक इट टू व्हाट दे रियली वांट टू डू इट।
अभी अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो उनकी ट्रेड और बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो अमरातीस है, जो सऊदीज हैं, जो यू इंडियंस हैं, हमें तो चलो 30 अरब डॉलर आ रहा है एज ए फॉरन रेमिटेंस, इंडियंस को तो 100 अरब डॉलर तक आ रहा है फॉरन रेमिटेंस। और ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कि आप वो जैसे मैंने बताया कि वो यहाँ पे पैसा जो है वो लगा रहे हैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। हम वहां पर फ्री हैंड खेल रहे थे, और अगर आपको याद हो कि ये अमरातीस थे जो ये आइडिया दे रहे थे कि इंडिया को हम ओआईसी का हिस्सा बना देते हैं, दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। और हम क्या कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि हमें यूएई का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमारे पास जो है वो कितने कोई 25-30 करोड़ मुसलमान है। तो हम कहते हैं कि नहीं। इंडियंस जो समझते हैं कि हमारे 2014 से ताल्लुकात जो हैं वो यूए के साथ बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं और नई पॉसिबिलिटीज पे काम हो रहा है। ओआईसी जो है अगर देखा जाए टेक्निकली तो सऊदी अरब ने और यूएई ने बेसिकली तो इंडिया को खुश किया कि उन्होंने ओआईसी का फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया कश्मीर के ऊपर, हमारी तो नहीं सुनी उन्होंने, लेकिन क्योंकि हम डिपेंडेंट है उनके ऊपर तो वो हमारी क्यों सुनेंगे। ये जो जिसे आप कह रहे हैं कि ना अभी इंडिया को फायदा ये होगा कि जितनी एक्सेस इंडियन लेबर को वहां पे मिलेगी, क्योंकि इंडियन जो लेबर वहां पे जाती है उसको उस तरह टेंशन की नजर से नहीं देखते, हमें तो वो टेंशन की नजर से देखते हैं यार ये कहीं इसराइलियों पे ना हमला कर दें। अभी जो लेबर लॉज हैं उस वहां पे और जितनी भी अभी अगर मोदी साहब जाते हैं वहां पे तो ये क्या क्या अपने लोगों के लिए बेनिफिट्स ले रहे हैं, और फिर एक जो साइजेबल मिडिल एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया की, वो भी जारी बात है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देर, वहां पे पैसे अच्छे मिलते हैं, रियाल में मिलते हैं, वो सारा कुछ मिलता है। एंड देन फिर बहुत सारी जो आईटी जो है वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल साइनर्जीज हैं वो भी उसको टैप इन कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने आप को मिडल ईस्टर्न ममालिक और मुस्लिम ममालिक को एक और लेंस में देखना है। हमने वो जो मोनोपोली थी मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर वो मोनोपोली टूट गई है, कि हम मुस्लिम वर्ल्ड हमारी कश्मीर पे भी सुनती थी, हमें एड भी देती थी, सपोर्ट भी देती थी, पैसे भी देती थी, जिसे मैं बोलता हूँ बोरोड ग्रोथ, और वो बड़ी देर बोरोड ग्रोथ चलती रही। अरबों को तो हमारी जरूरत थी क्योंकि मदरसे बनाने थे, रिलीजियस स्टाफ। अभी तो अरबों का प्रॉब्लम ये है कि अरबों ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, उन्हें कहा भाजो सारे थे कोई खबरदार इतने आया थोड़ा, हमें नहीं चाहिए इस तरह का इस्लाम जो आप कह रहे, जो माजी में हुआ वो हुआ, हम एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तो कह रहे तबलीगी जमात ये दहशतगर्दी की बुनियाद रख रहे हैं, ये दे आर द वंस जो अब वो देखें, वो जो चीजें थी आप इमेजिन कर लेंगे। जो हमें सुनने तो ये भी आता है कि अमरातीज ने हमारी हेल्प की थी जो इंडिया पाकिस्तान के 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो मेच्योर हुआ था। ये जो है वो चीजें वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और जो क्या उसे बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक बिल्कुल और डायरेक्शन में जा रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में यार जाहिर बात है ये क्लैरिटी और ज्यादा होगी। अब चौथा विजिट है, यानी कि 7 सालों में चौथा विजिट कर रहे हैं, 6-7 सालों में आप कह लें चौथा विजिट, ऑन एवरेज 1.5 साल बाद नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि इंडिया को क्योंकि स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, और हमारे पास व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, हम उसको यूएई को देना चाहते हैं। हमारी जो लेबर ज्यादातर है वो सारी वर्किंग क्लास है, वो सारा एजुकेटेड लोग नहीं है, बहुत सारे एजुकेटेड भी जाते हैं, ये नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, बड़े सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहां पे दुबई में, अमारात में, एमिरेट्स में, शारजा में, कतर में, दमाम में, और बहुत सारे जो एरियाज हैं वहां पे अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं लोग। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाकिस्तानी डायस्पोरा। और जिसे आप कह लें कि अभी ये जो इंडिया अपनी नई मार्केटिंग कर रहा है जी कि वो हमारी 41 यूनिकॉर्न सिर्फ हमारी 2021 में आई हैं, और जो यूएस गवर्नमेंट है वो हमारे साथ काम कर रही है, एक ओवरऑल फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है ना जी। ये जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है ये एक मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है कि 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड जो है वो अगले कुछ सालों में इंडिया यूएई की हो सकती है। और तकरीबन 3.5 मिलियन 3.3 मिलियन
जो इंडियंस हैं वो इस वक्त यूएई में है। सो ये एक जो है ना वो बड़ा मोदी साहब ने जंप लगवाया इंडिया को, पाकिस्तान इसमें क्या कर रहे हैं, व्हाट वे 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 डू वी गो? इमरान खान साहब अदर देन जब जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी? हम तो जारी बात है वी गो देयर फॉर मनी, जिस तरह इमरान खान साहब लास्ट टाइम गए थे वो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव में और 4.5 अरब डॉलर ले आए थे। सो वो तो हमारा तो एक इमेज है, और फिर आपको पता है एक बहुत बड़ी लॉबी जो है फिर वो गंदा भी करती है कि देखें जी ये तो पैसे मांगते हैं, ये तो भीख मांगते हैं, फिर ये कटोरा करते हैं, फलाना खान है, ये खान है। और क्योंकि इमरान खान सब खुद बहुत बड़े बड़े बोलते थे कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मायर में मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूँ कर लूंगा, ये बहुत सारी बातें करते थे। आई थिंक वी नीड टू लुक इन, वी लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, पंजाबी कहते हैं मंजी थले डांग फेरनी, अपनी चीजें सेट करनी पड़ेंगी। दैट्स हाउ वो जो मोनोपोली थी वो उन्होंने तोड़ दी है। लेट्स सी हाउ इट गोज इन कमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच।